हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। समीर, बटन दबा। ऑल ओके, लाइट्स बुझा दो। यार समीर, मुझे तो लगता है कि आज हमें तेंदुआ जरूर दिखेगा। पक्का? क्या बोलता है? हाँ यार, मैं तो परमिशन लेके सारी रात भर यहाँ पे बैठना तो वेस्ट हो जाएगा। तेंदुआ देखने आए हैं तो देखकर ही जाएंगे। गाइस, जब वो आ जाएगा ना तो मुझे बता देना। I'm feeling very sleepy. Good night. कुछ दिखा? वो यही कहीं है। अगर वो यही है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये आवाज कैसी थी? समीर और वंशिका तो पीछे ही छूट गए। Oh God! अब क्या करेंगे? क्या करें? वापस चलें क्या? नहीं, मुझे डर लग रहा है। हम अभी नहीं जाएंगे, कल सुबह चलते हैं। लेकिन ऐसे कैसे उन्हें छोड़ सकते हैं? वो दोस्त हैं हमारे, कहीं हमारा वेट कर रहे होंगे वो। अरे राहुल, पागल मत बन, नैना सही कह रही है। देखो, हमने देखा वहां तेंदुआ था और गोली की आवाज तक सुनी हमने। फिलहाल अपनी जान बचाओ और चुपचाप यहां से चलो, वो दोनों ठीक होंगे। चलो अब। अरे इतनी रात को ये लड़की क्या कर रही है?
रुको, गाड़ी रुको, राहुल सर, राहुल सर। शीना, तुम शीना हो ना? तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो? जंगल में क्या कर रही हो? राहुल सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए सर। आप आगे जाएंगे, आपको एक सिल्वर कलर की गाड़ी दिखाई देगी। उस गाड़ी के पास एक औरत होगी, उसका खून बह रहा होगा। कल उसका पति आपके पास हेल्प मांगने आएगा सर, कुछ भी हो जाए। अब गाड़ी मत रोकना सर, ध्यान से सुनिए प्लीज, गाड़ी मत रोकना सर, सर प्लीज सर। शीना, शीना, ये क्या हो गया यार? ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ आज रात? इससे कैसे पता कि आगे क्या होने वाला है? जो भी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। इस जंगल में तो नहीं रुक सकते ना? रोको, रोको, प्लीज गाड़ी रोको। अरे राहुल, ये तो वही कार है। ये तो हमें रोकने को कह रहा है। उस शीना को कैसे पता था? उसने जो कहा वही हो रहा है। राहुल, गाड़ी मत रोकना। रोको, प्लीज रोको, प्लीज, हेल्प मी, प्लीज। नहीं यार, अब मुझसे और नहीं होगा। एक तो ऑलरेडी हमने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया है, इन्हें हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। राहुल क्या कर रहे हैं? बिल्कुल मत बन। राहुल प्लीज मत जाना, हमें उनकी हेल्प करनी होगी। क्या कर रहा है राहुल? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वाइफ को बहुत चोट लगी है, हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। पर आप लोग हैं कौन और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? देखिए वो सब मैं आपको गाड़ी में बता दूंगा। मैं ना उसकी वाइफ को देखूं। हाँ। चोट तो कहीं दिख नहीं रही है, सिर्फ खून लगा हुआ है। राहुल अब है? इसे कोई चोट नहीं लगी है, इन लोगों ने हमें फंसाया है। आंखें तो बहुत तेज है तेरी। Oh!
जाता हूँ। तुम ठीक हो ना? तोनो, ये सब कहाँ से आ गए? वेट वेट वेट, निकालो इन्हें। आई ओके? ये अबे नैना और राहुल तीनों में जंगल में मरने के लिए छोड़ गए और खुद पता नहीं कहीं भाग गए। अभी तो हमारे पास मोबाइल फोन्स भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? चलो पहले यहाँ से निकलते। ओके चलो। यहाँ पे तो कोई भी नहीं, मदद किससे मांगे? ओह गॉड, अब क्या करें? अरे वो धुआं कैसा? आई थिंक पास के गांव वालों ने चलाया होगा। चलो उनसे मदद मांगते हैं, लेट्स गो। घने जंगल में तुम लोग इतने अंदर आ गए, मालूम नहीं कितना खतरनाक हो सकता है ये सब। सर वो हम लोग तो परमिशन लेकर आए थे तेंदुआ देखने के लिए। रात को अचानक से पीछे से एक तेंदुए की आवाज आई और फिर गोली चलने की आवाज आई। सर हम लोग तो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर भागे और जब सुबह बाहर आए तो फिर ये दिखा। सर मुझे घर जाना है प्लीज। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग आपको घर तक छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ इतना ही हुआ है यहाँ पर या कुछ और भी बता? सर मुझे जो कुछ पता है मैंने आप लोगों को बता दिया। सर जिस आदमी ने गोली चलाई है हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। जब सुबह यहाँ आए तो सर ये दिख गया। सर हमने एक आदमी से उसका फोन लेकर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। प्लानिंग तो थी पूरी बॉडी को जलाने की, लेकिन ये हाथ रह गया। अगर बारिश नहीं होती तो शायद ये भी नहीं मिलता। बुरी तरह जल गई बॉडी की, पता ही नहीं चल रहा है कि लड़के की है कि लड़की की। सर अजीब बात ये है कि इस लाश का कोई सर ही नहीं है, खोपड़ी कहीं भी नहीं मिली। पंकज जरा आसपास चेक करो, ढूंढो जरा। सर बैठे, पैरों से दबने का निशान है, छह निशान है, मतलब तीन लोग थे, मतलब यहाँ पे खड़े होकर बॉडी को चलते हुए देख रहे थे। ये खूनी हो सकते हैं, शहर से हैं, लाया और मार के जला दिया। जो पानी भरा है इस पे कुछ ऑयल मालूम पड़ रहा है, ऑयल सब्सटेंस। आर लिखा हुआ है। आर? राहुल, ये तो राहुल के चेहरे। राहुल तुम्हारा दोस्त जो कल रात तुम लोगों से अलग हो गया था। हाँ सर ये तो राहुल की चेहरे नहीं है। कहीं बॉडी राहुल की तो नहीं? नहीं, ये राहुल नहीं हो सकता। सर को राहुल को क्यों मारेगा? राहुल के साथ दो लोग और भी थे, नैना और अभय, वो लोग कहाँ हैं? पंकज फोन दो, ये लो फोन लगाओ उनके घर पे, पता करो वो लोग घर पहुंचे हैं कि नहीं। हेलो आंटी, मैं समीर, वो अभय घर पे?
गया था ना? हाँ आंटी, वो हमारे साथ ही था। वो एक्चुअली थोड़ा सा सामान लेने गया था, तो मुझे लगा घर पे आ गया। समीर बेटा, वहाँ सब ठीक तो है ना? आंटी सब ठीक है, वी आर हैविंग फन। मैं बाद में करता हूँ आपको। हेलो समीर बेटा, एक काम करते हैं, ये सब फोरेंसिक लैब भेजते हैं। बॉडी पार्ट, सोने की चेन और ये जो ये पैर के निशान मिले हैं जिनमें पानी भरा है, ऑयल सब्सटेंस, ये भी भेजते हैं। देखते हैं सारों के साहब क्या बताते हैं हमें। सारों के जल्दी कुछ बता दे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अरे यार मालूम है, पर थोड़ा वक्त तो दो। सर, जली हुई बॉडी से फिलहाल हमें एक ही बात पता चली है। क्या बात? यही कि इसे पेट्रोल से जलाया गया था, और बाकी सारी चीजें डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेंगी। बॉस, जंगल में बारिश हो रही थी और ये खूनी की बदनसीबी है कि बारिश ने उस खूनी से कुछ सबूत चुरा लिए। ये देखो बॉस, ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये लकड़ी का बुरादा, और ऐसा बुरादा जंगल में मिलना नामुमकिन है। ये हमें जली हुई लाश के पास जो मिट्टी थी उसमें मिला। सर, हो सकता है ये फिर खूनी के जूतों के साथ आया वहां पे। खूनी चाहे कितना ही चालाक क्यों ना कोई गलती जरूर करता है। तो जो पानी में आप लोगों को चमकती हुई चीज दिखाई दी थी, दरअसल वो टर्पेंटाइन ऑयल है। बारिश, टर्पेंटाइन ऑयल जो लकड़ी के काम इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि ये खूनी फिर लकड़ी के कारखाने में ही काम करते हो। हाँ? बस खूनी ने जंगल में और भी बहुत सारे सबूत छोड़े होंगे, लेकिन वो जानता नहीं है। जंगल भी बोलते हैं। हाँ, जंगल में फिर से जाना पड़ेगा, जरूर कोई ना कोई सबूत और मिल जाएंगे। अब जीतते हैं, ट्रैकर को बुलाओ और घुस जाओ उसके साथ जंगल में। आप लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, अभी भी खतरा टला नहीं है। सब सब और नैना दोस्त है हमारे, जब तक वो मिल नहीं जाते हम घर पे आराम से कैसे बैठ सकते। रंजी, ये वो जगह है जहाँ पे राहुल को चलाया गया था, और ये निशान देख रहे हैं, यहाँ पे तीन लोग खड़े थे। हमें ऐसा लगता है कि राहुल को इन्हीं लोगों ने मारा है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे खड़े थे वो यहाँ कहाँ से आए थे, और यहाँ से कहाँ गए वो लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये नैना और अभय इस वक्त कहाँ हो सकते हैं। खूनी जंगल में कहाँ से आए थे या कहाँ पर थे ये मैं आपको बता सकता हूँ, और बाकी लोग भी जो इस जंगल में हैं उनकी मूवमेंट को भी हम ट्रैक कर सकते हैं। वो कैसे? हम इस जंगल से पूरी तरह से वाकिफ हैं। कुछ खास तरीकों से हम ये पता लगा लेते हैं कि इंसानों की चहल पहल इस जंगल में हुई है या नहीं, या किसी जगह से होकर इंसान गुजरा है या कोई जानवर, ये भी बताया जा सकता है। आइए देखते हैं। ये देखिए उनके पैरों के निशान, ये इस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब वो लोग जंगल की तरफ गए हैं। जिस जगह पे राहुल को जलाया गया है उसके आसपास ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे ये पता चले कि राहुल को जलाने से पहले काटा या मारा गया है। लगता है उसे जंगल के किसी और हिस्से में मार के यहाँ पे लाके जलाया गया है। हम लोग जंगल के इन पतले और सकरे रास्ते यानी पगडंडियों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जो खूनी थे वो इन रास्तों के अगल बगल से होकर गुजरे हैं, और इसीलिए ये देखिए उनके पैरों से यहाँ की घास और पौधे दबे हुए हैं। ऐसा शायद रात में उन्हें नहीं दिखने की वजह से हुआ होगा। ये निशान देखिए, ये तेंदुए के पैरों के हैं, इसका मतलब तेंदुआ भी इसी रास्ते से आगे गया है। मतलब वो इस रास्ते से वापस भी आ सकता है? भाई ये जंगल उसका है, कहीं भी आ जा सकता है।
पेट्रोल का कैन है, खाली है, शायद इसी का इस्तेमाल किया हो जलाने में। राहुल की कार? सर, ये राहुल की कार है जिससे हम यहाँ आए थे। दरवाजा खुला है? ओह नो, गाड़ी के अंदर इतना सारा खून, राहुल नैना अभय के साथ जो कुछ भी हुआ है यहीं पे हुआ है। तो क्या इसका मतलब अभय और नैना उनका उनका भी? उन्होंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा? क्यों? देखिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। समीर, कौन? कटी हुई उंगली, लड़की की कटी हुई उंगली है। राहुल का सर काट कर मारा, अब ये लड़की की कटी हुई उंगली। खूनी कोई पागल लगता है, कोई साइको। श्रेया, इनको उंगली दिखाओ, देखो पहचानते हैं क्या। क्या इस उंगली को पहचानते हैं? ये किसकी उंगली है? शायद नैना की। नहीं नहीं, ये नैना की उंगली नहीं है। क्या आप दोनों को यकीन है? हाँ, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। उंगली नैना की नहीं तो फिर किसकी है? मतलब अभय और नैना के अलावा कोई और भी है जंगल में? राहुल की गाड़ी यहाँ पर है तो नैना और अभय भी यहीं कहीं आसपास ही होंगे। अगर कहीं ले जाया गया तो पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। जब एक तेंदुआ अपने शिकार पर निकलता है तो जंगल के पक्षी और दूसरे जानवर एक विशेष प्रकार की आवाजें निकालते हैं जिससे पूरे जंगल को पता चल जाता है कि तेंदुआ अपने शिकार पर निकला है। ठीक उसी प्रकार ये पक्षी जब किसी इंसान को देखते हैं तो ये खास तरह की आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। हमें इन आवाजों को सुनना होगा। एक मिनट, पक्षियों की आवाज सुन रहे हैं आप? इसका मतलब जरूर उन्होंने किसी इंसान को देखा है। अरे तो हम भी तो इंसान हैं, हमें देख के चिल्ला रहे होंगे। लेकिन जिस दिशा से आवाज आ रही है वहां कोई और है, हमें उस दिशा की तरफ जाना चाहिए। आइए। ठीक है, घसीटने का निशान, वो भी इतना बड़ा। इस जंगल में कौन सा बड़ा जानवर है और इतने बड़े जानवर को कौन सा जानवर घसीट के ले जा सकता है? सर, जहां तक मुझे पता है इस जंगल में इतना बड़ा जानवर तो कोई भी नहीं है। ये जरूर किसी इंसान को घसीट कर ले जाया गया। कहीं अभय और नैना तो नहीं? ये कौन है? सर ये जिंदा है। ये भी जिंदा है। जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा इनको। आप ये क्या बोल रहे? राहुल, राहुल को किसी ने मार दिया, किसी ने जला दिया उसे। सर ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था राहुल से कि गाड़ी मत रोक, मत रोक गाड़ी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। सर एक मिनट प्लीज, आप लोग अपने आप को संभालिए। हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप प्लीज ये बताइए कि गाड़ी से निकलने के बाद क्या हुआ था? हमें एक लड़की मिली थी। कौन थी वो लड़की? तुम शीना हो ना? तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो? जंगल में क्या कर रही हो? राहुल सर, मेरी बात ध्यान से सुनिए सर। आप आगे जाएंगे, आपको एक सिल्वर कलर की गाड़ी दिखाई देगी। उस गाड़ी के पास एक औरत होगी, उसका खून बह रहा होगा। सर उसका पति आपके पास हेल्प मांगने आएगा। सर कुछ भी हो जाए, अब गाड़ी मत रोकना सर, ध्यान से सुनिए प्लीज, गाड़ी मत रोकना सर। मतलब शीना जानती थी कि आप लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है? जी सर, उसे सब पता था। उसके बाद क्या हुआ था सर? फिर बस
वो लोग हम पे हमला करने आए थे और फिर और गुंडे आ गए। अपने लोगों के साथ बहुत ही अजीब भाषा में बात कर रहा था, तेरे पे ऐसा कुछ करके, लेकिन हम कैसे भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। उसके बाद उसमें से एक आदमी ने अचानक से किसी एक चीज से जोर से मेरे सर पे मारा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं वहीं गिर गया सर। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। जैशीना के अलावा ये दोनों आदमी और औरत कैसे दिखते थे, कुछ याद है? जी सर। गुड, इन दोनों के स्केचेस बनवाने में हमारी मदद कीजिए। और पहचानते हो? सर, ये तो शीना की उंगली है। उन लोगों ने कहीं शीना को भी तो नहीं मार डाला? शायद नहीं, कटी हुई उंगली मिली है, लाश नहीं। शायद वो लोग शीना को अपने साथ ले गए। सर, वो राहुल की फैमिली बाहर इंतजार कर रही है। कोई मेरे राहुल को कैसे मार सकता है? क्यों मारा मेरे राहुल को? मम्मी संभालिए अपने आप को। देखिए, राहुल का जिन्होंने ये हाल किया है वो बचेगा नहीं। जो कोई भी है इसकी सजा दिला के रहेंगे हम लोग। ये राहुल कैंपिंग के लिए जंगल में जाने वाला है, ये बात किस किस को मालूम थी? सबको पता थी सर, वो बहुत खुश था। काफी समय के बाद वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। मैं राहुल का अंकल हूं सर। आपको चोट लगी है क्या? जी जी सर, वो मैं गिर गया था सर। काफी सारी चोटें लगी हैं आपको, गर्दन पे, ये चेहरे पे। दवाई वाई ली कि नहीं आपने? दवाई ली सर। ठीक है, फिर आप आराम करिए। आप लोग ही प्लीज अभी घर जाइए। क्या हुआ, इसकी फोटो क्यों ले ली? ये देखो, कहता है कि गिरने से चोट लगी है। ये चोट कुछ और ही है, और उसके चेहरे पे दुख कम डर ज्यादा था। एक काम करते हैं, शीना जिसने एक्सीडेंट के बारे में बताया था उसके घर से उसके बारे में पता करते हैं। और वो जमाडा माइलस्टोन, अभय ने बताया था ना नकली एक्सीडेंट के बारे में, yes, sir. उसकी डिटेल्स निकालो सर। सर, अभय और नैना सच बोल रहे थे। जहां उन्होंने बताया था जमाड़ा माइलस्टोन, उसके पास ही इस पेड़ पे हमें सिल्वर रंग के निशान मिले। उस सिल्वर कार का एक्सीडेंट भी वहीं पे हुआ था सर, लेकिन हाँ, शहर के किसी भी गैरेज में ऐसी कोई सिल्वर कार रिपेयर के लिए नहीं आई थी। और एक गाड़ी किसी गैरेज में रिपेयर होने के लिए जाएगी भी नहीं। इस राहुल अभय और नैना को मारने का पक्का प्लान जो बनाया था, मगर कितने दिन तक भागेंगे हमसे लोग? हाँ दया, कुछ पता चला शीना के बारे में? सर, हम उसके घर गए थे, ताला लगा हुआ था। पड़ोसी ने बताया कि कल रात से शीना वापस नहीं आई, और राहुल का खून भी कल ही हुआ सर। तो पड़ोसी ने यह भी बताया कि उन लोगों ने आखिरी बार शीना को स्कूटी पे जाते हुए देखा, ऑरेंज कलर का रेनकोट पहना था उसने। तो हमारा शक सही हो सकता है, ये कटी हुई उंगली शीना की है और वो खूनी उसे साथ ले गया। काम करते हैं, इस नैना और अभय का स्टेटमेंट सुनते हैं दोबारा। हमें एक लड़की मिली थी। लड़की? कौन थी वो लड़की? शीना, वो राहुल के ऑफिस में काम करती थी। अचानक से वो हमारी गाड़ी के सामने आ गई। मतलब शीना जानती थी कि आप लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है? उसके बाद क्या हुआ था? सर, फिर वो लोग हम पे हमला करने आए थे और फिर और गुंडे आ गए, जिसमें से एक आदमी अपने लोगों के साथ बहुत ही अजीब भाषा में बात कर रहा था, तेरे पे ऐसा कुछ करके। पॉज करो, ये तेरे पे क्या हो सकता है?
तो ये आदिवासी लैंग्वेज हो सकती है सर, या फिर कोड वर्ड अपने आदमियों को बताने के लिए कुछ? पता लगाना पड़ेगा इसके बारे में अभिजीत। और वो औरत और वो आदमी जो जमाड़ा माइलस्टोन के वहां मिले थे, उनको और सीना को भी किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। सर वो लकड़ी का कारखाना अभी भी देखना बाकी है। तो खूनी के जूतों पे वो टर्पेंटाइन ऑयल और लकड़ी का बुरादा लगा था ना, तो हो सकता है उनका अड्डा कहीं लकड़ी के कारखाने में ही हो। अभिजीत वो जो तेरे पे बोल रहे थे उन लोग, उस भाषा के बारे में उन लोगों के बारे में भी पता लगाओ, और शहर में जितने भी लकड़ी के कारखाने उनके बारे में, और जो कारखाने बंद पड़े सब जाकर के देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सर 10 लकड़ी का कारखाना घूम चुके हैं सर, भूख लग रही सर, थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा खा लेते ना एनर्जी के लिए। यहाँ पे भी पूछ लेते हैं उसके बारे में। अरे भाई साहब सुनो। जी साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम लोग CID से हैं और हमें 2 लोगों की तलाश है, और वो लोग किसी दूसरी भाषा में बात करते हैं। ये सुनो, तेरे पे ये तेरे पे इस भाषा में बोलता है। दोबारा सुनिए साहब। तेरे पे तो भी इसमें लड़की ने बोला है, लेकिन वो आदमी ऐसे बोलता है तेरे पे। और ये आदमी है, पहचानते हैं साहब? इसका नाम तो भुवन है। गए साल में ये हमारा सुपरवाइजर था। ऐसी भाषा वो तब बोलता था जब वो बहुत गुस्से में होता था। कहाँ मिलेगा ये अभी? कैसा है भाई? एकदम ठीक। एक चाय देना भाई। हेलो, सुनो, CID तुम्हारे पीछे पड़ी है। क्या? जल्दी निकलो वहां से। अब ठीक है, मैं निकलता हूँ। ये बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में क्यों जा रहा है? ऊपर से ऑर्डर आ चुका है रिंकू, इस लड़की को मारना पड़ेगा। ये लड़की, आखिरी बार अपने भगवान को याद कर ले। और भगवान ने इनकी सुन ली। बुका बुका। बहुत शौक है तुझे सड़क पर लोगों से मदद मांगने की। हाँ, अब मांग मदद, मांग। बोल, किसके लिए किया तूने ऐसा? साहब मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब, मुझे तो उस लड़के को मारने के लिए पैसे दिए गए थे, तो मार दिया। साहब पैसे किसने दिए थे? मैंने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी। शक्ल याद नहीं आ रही है ना? चल ब्यूरो चल, सब याद दिलाते हैं। मुझे क्यों मारा सर? मैंने क्या किया? जंगल में बंदूक लेकर शिकार करने गया था। मैं क्यों? गिर गए थे और चोट लग गई थी। चोट क्यों बोला हमसे? ऐसी कौन सी जगह है वो जहां पर गिरने से डिजाइन वाली चोट लग गई? सिर पे चोट, गालों में कांटे घुसे और गले में सूजन। कहां गिरे? याद नहीं आ रहा है। तो चलो याद दिलाते हैं, हमारे डॉक्टर साळुंखे वो याद दिलाएंगे। तो साहब तुम्हें चोट कहीं गिरने से नहीं आई है, ये निशान आया है एक जहरीले कीड़े के काटने की वजह से। ये है वो कीड़ा जिसे हम रेप्टोसाइडर कहते हैं। अगर याद नहीं आया हो तो मैं तुम्हारे ब्लड का अभी टॉक्सिन टेस्ट करके तुम्हें बता सकता हूँ। बोलो, लगाऊं सिरिंज? डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन मत लगाइए,
मैं सर सब कुछ सच सच बताता हूँ। मैं गया था जंगल में, गन भी थी मेरे पास, पर मैं राहुल को मारने नहीं गया था सर, मैं तो उसको बचाने के लिए गया था। और सर शायद मैं उसको बचा भी लेता, पर तेंदुआ आ गया सर, तेंदुआ, और तेंदुए से डर कर जब मैं भागा सर तो मैं गिर पड़ा सर, ये सब चोट गिरने से लगी है सर। और शीना जी आप, आपकी भी जान जा सकती थी, तुमने किसी को क्यों नहीं बताया कि राहुल की जान खतरे में है, शायद तुम्हें मदद मिल जाती। इतनी रात को जंगल में अकेले जाकर राहुल की जान बताने का क्या मतलब है? सर राहुल सर ने मेरे पापा की जान बचाई थी, हमें एक बार 10 लाख रुपयों की जरूरत थी और राहुल सर ने बिना हिचकिचाए हमें वो पैसे दे दिए थे। सर राहुल सर की जान बचाने के लिए अगर मैं मर भी जाती ना, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। और सर रही बात मदद की, तो मैंने मदद मांगी थी, मैं ये बात हर किसी को नहीं बता सकती थी, इसलिए मैंने ये बात राहुल के चाचा प्रसाद अंकल को बताई थी। हाँ सर, जब इसने मुझे बताया तो मैंने राहुल की निगरानी करनी शुरू कर दी, पर सर मैं सच बोलता हूँ, मैं पता ही नहीं लगा पाया कि राहुल को कौन मारना चाहता है, इसीलिए मैं जंगल में भी राहुल के पीछे पीछे गया था सर। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि राहुल का खून होने वाला है? सर एक दिन जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकली तो ऑफिस के पार्किंग लॉट में मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, पर मुझे इतना जरूर सुनाई दिया कि राहुल सर को जंगल में मार देंगे, और झांक कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई मेरी, अगर वो लोग मुझे देख लेते तो शायद वही मार देते। पार्किंग लॉट, वो पार्किंग लॉट ऑफिस के कैंपस में ही है। जी सर। काम करते हैं, वहां का सीसीटीवी फुटेज मंगवाते हैं। जब दो लंबी सी परछाइयां नजर आ रही हैं, जानबूझकर ऐसे खड़े हैं जिनसे सीसीटीवी कैमरे में नजर ना आए, बार बार शायद नाक खुल जा रहा है। ये तो सर यही है, वो बुलाओ सबको। राहुल का खून तुम में से किसी एक ने किया है, और मैंने नहीं कहने से पहले एक बात अच्छी तरह से याद रखना, तुम सबके खिलाफ कोई ना कोई सबूत है। सर मुझ पे कैसे शक कर सकते हैं सर, मैं तो राहुल सर को बचाने गई थी। लेकिन जान बचा नहीं पाई। सर राहुल हमारा दोस्त था, भला हम उसे क्यों मारेंगे, हमने तो उसे बचाने की कोशिश की थी जिससे हमारी जान जा सकती थी। दोस्ती और रिश्तेदारी की आड़ में दुश्मनी भी तो निकाली जा सकती है, क्यों? मेरे बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं सर, राहुल तो मेरा भतीजा था। हाँ राहुल तुम्हारा भतीजा था जरूर, पर गोली तुमने चलाई, समझे? इसी वजह से उससे कुछ लेना देना नहीं है हमें। वंशिका और समीर जी एक बात बताइए, जब अभय नैना और राहुल गाड़ी की तरफ भागे तो आप जंगल क्या करने गए थे हैं? आप क्यों नहीं गए गाड़ी की तरफ? सर वो हम लोग डर गए थे सर, जिधर समझा उस तरफ चले गए। तुम बड़े समझदार हो, पहले से पता था कि राहुल की मौत होने वाली है। सर नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तुम दोनों रिंकू और भुवन, इन बेचारों को तो पता ही नहीं था कि किसने इनसे राहुल को मरवाया, किसने उसकी लाश को पेट्रोल डालकर जलाने को कहा, है ना? कच्चे खिलाड़ी है बेटा। लेकिन हम पक्के खिलाड़ी हैं, हम बताते हैं कि भुवन और रिंकू ने किसके कहने पे राहुल को मारा है। क्यों अभय जी? क्या मैंने कुछ नहीं किया? तुम्हारे नाक पे खुजली बहुत होती है, बार बार यूं खुजाते रहते हो। वहां हॉस्पिटल में हमें बड़ा समझा रहे थे, और अपने जोड़ीदार को ऑफिस के पार्किंग में भी काफी समझा रहे थे तुम। हाँ पार्किंग लॉट में मैं ही था,
कि राहुल को सजा देनी थी जो उसने मेरे साथ किया उसके लिए। राहुल तो अच्छा लड़का था, तुम्हारा अच्छा दोस्त भी था, तो फिर ऐसा क्या किया उसने जो तुमने उसे मार डाला है? अच्छा आदमी था लेकिन साथ ही साथ बिजनेसमैन था वो। उसने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए थे मेरे बिजनेस के लिए, उसे लौटा नहीं पा रहा था, मैंने जाके उसे कहा भी, लेकिन लेकिन बजाय मेरी सिचुएशन समझे उसने उसने पूरी कंपनी टेक ओवर कर ली। नई कंपनी में मुझे मैनेजर की पोस्ट, जिस कंपनी में मैं मालिक था वहां मैं नौकर बन के घूमता था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और राहुल का इस तरह से कंपनी में रहना तो मैं देख ही नहीं पा रहा था। उसका मरना तो तय था, मार डाला मैंने उसे। जंगल जाने का प्लान किसका था? वो सारा प्लान मेरा था। जंगल में टेंट भी मैंने ही लगवाए थे और कुछ चोट भी मैंने ही लगवाई थी ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। और नैना और आप लोगों को झूठी कहानी सुनाई। बदले की आग में तुमने अपने ही दोस्त का खून कर दिया, एक ऐसा दोस्त जिसने तुम्हें 10 करोड़ रुपए दिए थे और वापस नहीं मांगे। अपनी कंपनी में उसने तुम्हें नौकरी भी दी और तुमने तो उसके साथ दगा किया, खून कर दिया उसका। जाओ जेल में जाकर सड़ते बैठो, शायद फांसी होगी तुम्हें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।